एक बात मैं आपसे पूछना जरूर चाहूँगा कि अभी बहन कुमारी मायावती ने मूर्तियों का निर्माण करवाया था जिसकी वजह से उनकी सरकार चली गई थी, और अभी सरदार पटेल साहब की मूर्ति लगी जो काफ़ी पैसों में 3000-3.25 करोड़ के आसपास की लगी है लगभग, है ना? जी, जी, जी। तो अगर यही मूर्ति बहुजन समाज के किसी नायक की लगी होती तो इस पर वाद विवाद दोनों चीज़ें होती, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों आती, लेकिन आज पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो क्या ये भेदभाव का नहीं है क्या? इसके बारे में आप बताएंगे वो थोड़ा सा? देखिए, लोग कहते हैं कि बहन जी ने मूर्तियां लगवा दी थोक में जी। लोग कहते हैं बहन जी ने मूर्तियां लगवा दी थोक में, या तो मूर्तियां लगवाई थी सम्राट अशोक, या तो मूर्तियां लगवाई हैं बहन जी ने, या मूर्तियां लगवाई हैं सम्राट अशोक ने जी। अगर हम साम्राज्य की बात करें तो भारतीय इतिहास के सीने में अगर किसी ने कील ठोकी है तो बहन जी है जी। चाहे वो लखनऊ का पार्क हो या दलित प्रेरणा स्थल हो, ये जो इतिहास की कील है इन लोगों के, मनुवादी लोगों के सीने में जब तक चुभती रहेगी। हमारे सीने में किसी की मूर्ति नहीं चुभ रही, चाहे 3000 करोड़ की बनाओ या 3 लाख करोड़ की बनाओ, हमारा सरोकार उससे नहीं है। हमारा सरोकार है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से, दलित प्रेरणा स्थल से, और बहुजन प्रेरणा केंद्र से, एक्सप्रेस वे से, और बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट से, बुद्धा यूनिवर्सिटी से। ये हमारी वो चीज़ें हैं जो इनके जिन्होंने इनके इतिहास में एक डाइवर्जन पॉइंट डाल दिया। डाइवर्जन पॉइंट कैसे कि जब तक ये बात करते थे क्यों राजघाट की, जितनी राजघाट की एक प्रॉपर्टी है उतने में हमारे सारे पार्क बने हुए हैं, जितने में सरदार पटेल का एक हाथ है उतने में हमारे सारा साम्राज्य बना हुआ है। तो अगर ये बात है, सवाल ये है कि एक्सेप्टेंस की, हमारे लोगों ने सबसे ज़्यादा मूर्तियों का विरोध किया। हमारे लोग कहते थे कि भाई मायावती ने मूर्तियाँ बनवाई है, स्कूल नहीं बनवाए, कॉलेज नहीं बनवाए और अस्पताल नहीं बनवाए। आज वो लोग आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे जो ये कहते हैं कि मायावती ने स्कूल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए और कुछ नहीं बनाए, क्योंकि अपनी बुरे बुराई ना करें और बुरे ना बोले, बोल हीरा किससे कब कहे लाख टका मेरा मोल। बहन जी की मूर्तियों को या दलित समाज की मूर्तियों को ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब ये बात करते हैं भगवान बुद्ध को ये विष्णु का नौवां अवतार मानते हैं, तो मुझे एक मंदिर ऐसा दिखा दो जिसमें भगवान बुद्ध की एक मूर्ति इनके मंदिरों में रखी हो, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मूर्तियाँ नहीं है, इतिहास लिखा जा रहा है, क्योंकि इतिहास लिखने के लिए पत्थर की भी जरूरत होती है और मूर्तियों की भी जरूरत होती है।